हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं काफी दिनों से टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है और इसके बारे में जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए उतनी ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जो स्कैमर्स हैं ये रोज अपने पैतरे बदल रहे हैं, रोज ये ब्रांड नेम बदल रहे हैं। अगर आज मैंने कोई अवेयरनेस वीडियो बनाया है तो कल ये एक नए ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आते हैं और जो विक्टिम है जब वो सर्च करता है तो उसको उस ब्रांड के बारे में कोई जानकारी कहीं हासिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो सेम मॉडल में ही जाकर के किसी दूसरे ब्रांड नेम के साथ में फंस जाता है। ऐसा ही एक मामला है मूवी रेटिंग स्कैम के बारे में, जिसके बारे में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल में देखकर अब तक समझ चुके होंगे कि आज मैं किस ब्रांड के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो ब्रांड है एरोस नाउ। जी हाँ, अब जो स्कैमर हैं उन्होंने एरोस नाउ के नाम पर लोगों को मूवी रेटिंग स्कैम में ठगने की पूरी प्लानिंग कर ली और लोगों को ठग भी रहे हैं। मेरे पास सैकड़ों में ऐसी मेल आती हैं, सैकड़ों में ऐसे कमेंट्स आते हैं जहां पर लोगों ने मूवी रेटिंग स्कैम के बारे में अपनी पूरी डिटेल्स मुझे शेयर की हैं विद स्क्रीनशॉट्स एंड चैट रिकॉर्डिंग्स, और उन्होंने मुझसे निवेदन किया है कि प्लीज़ आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। अभी पिछले दिनों आपने न्यूज़ देखी होगी कि जामनगर में भी इस स्कैम में फंसकर किसी ने 1 करोड़ से ऊपर की राशि गवाई है, जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर उनसे मूवी रेटिंग कराई गई और धीरे धीरे करके उनसे 1 लाख रुपए से ऊपर की रकम ऐट ली गई। ठीक ऐसा ही मामला कुछ दिनों पहले गुड़गांव में था, जहां पर एक महिला से 76 लाख रुपए ठग लिए गए सिर्फ मूवी को रेटिंग देने के नाम पर। लोग जान भी गंवा रहे हैं, लोग सुसाइड भी कर रहे हैं इन सारे स्कैम में पड़ने के बाद। ऐसा एक मामला फरवरी में विजयवाड़ा में आया था, जहां हीमा बिंदु नाम की एक महिला ने 7 लाख रुपए पहले गंवा दिए थे इसी सारे स्कैम में। बाद में जब उन्होंने अपने पति को बताया कि देखिए मेरे 7 लाख रुपए लग चुके हैं, मुझे और पैसे चाहिए ताकि मैं अपने पैसे को विड्रॉ कर सकूं, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। पति ने समझाया कि देखो भाई पैसे मत लगाना, ये स्कैम है, शायद पति को मालूम होगा। लेकिन अगले ही दिन पति के ऑफिस जाने के बाद उस महिला ने 7 लाख रुपए और अरेंज किए कहीं से, शायद उधार लेकर के, और उसके बाद 7 लाख रुपए और दे दिए। टोटल 14 लाख रुपए की राशि उस महिला ने गवा दी। इसके बाद अगले दिन ही वो महिला अपने घर से लापता हो गई और थोड़े दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे भी मेल करते हैं और कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा 20 लाख रुपए चला गया, हमारा 7 लाख रुपए चला गया, हमारा 10 लाख रुपए चला गया। तो इसकी शुरुआत भी ऐसी होती है, एक खूबसूरत महिला की डीपी के साथ आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। वहां पर आपको बताया जाता है कि वो एक्स वाई जेड मार्केटिंग कंपनी से बोल रही हैं, चाहे वो HCL का नाम ले लें, चाहे वो ओमनीकॉम का ले लें, या किसी भी बड़े मार्केटिंग फर्म का नाम वो ले लेते हैं और कहते हैं कि आपको एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, जिसमें आप प्रतिदिन 2,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। आप उनसे पूछते हैं भैया करना क्या है, तो वो आपको बताती है कि आपको कुछ मूवीज को रेट करना है और मूवी को रेट करने के एवज में आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा और ये कमीशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिससे कि आप प्रतिदिन 8 से 10 हजार रुपए तक भी कमा सकते हैं। आप कहते हैं भैया जरूर कर सकते हैं हम। आपको बताया जाता है कि उनकी कंपनी अपने मूवीज को प्रमोट करने के लिए, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, उनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ मूवीज को ऐसे रियल यूजर्स के साथ में रेट कराना चाहती है, उनकी रेटिंग्स लेना चाहती है, स्टार रेटिंग्स लेना चाहती है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच कर रहे हैं और इसके एवज में आपको एक उचित कमीशन दिया जाएगा। ये कमीशन कुछ भी हो सकता है, 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 80 रुपए, और इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करना है। वो वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पर इस केस में वो वेबसाइट है movieclick.net। इसके पहले उन्होंने अलामो मीडिया का इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत सारे अमेरिकी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल किया, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नाम का इस्तेमाल किया। अभी बीच में एमलिन इंटरटेनमेंट चल रहा था, उसके पहले सिनेस्तान चल रहा था, इसके पहले आईफ्लिक्स चल रहा था। इस तरह से कोई भी ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में उतरते हैं और थोड़े दिन बाद उसको समेट करके एक नए ब्रांड नेम के साथ उतर जाते हैं और फिलहाल वो ब्रांड नेम है एरोस नाउ। तो चलिए अब चलते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जाकर के सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, वो महिला आपसे कहती है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मुझे अपना मोबाइल नंबर देंगे ताकि मैं आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकूं। आपको आता है एक OTP, उसके साथ आप यहाँ रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद होम पेज देखिए, आप होम पेज पर विक्रम मूवी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, एरोस नाउ का लोगो लगा हुआ है और वेबसाइट का नाम है movie-click.net और ये वेबसाइट पूरी तरह से HTTPS है, यानी कि सिक्योर्ड है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि एरोस नाउ में जो नए मेंबर हैं उनका स्वागत है और उनको 11,000 रुपये का ट्रायल बोनस दिया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये वेबसाइट काम कैसे करती है। अगर आप देखते हैं, होम है, इवेंट है, टिकटिंग है,
बॉक्स ऑफिस है और अकाउंट है। अब आपको बताया जाता है कि आपको इसमें 11,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा और इस 11,000 के बोनस के एवज में ही आप यहां पर अलग अलग मूवीज को रेट करने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे कई सारी मूवीज का जो है यहां पर पोस्टर लगाया हुआ है, कांतारा है और भी बहुत सारी, जवान है, विक्रम वेदा है, इन सब का पोस्टर लगाया हुआ है जिसको क्लिक करने पर आप कहीं नहीं पहुंचते। उसके बाद जब हम चलते हैं इवेंट्स में तो यहाँ पर उन्होंने अपने तमाम ऑफर्स बताए हुए हैं। अब यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपसे कहा जाता है कि आपको एक मूवी को रेट करना है, आपको 11,000 रुपए बोनस में दे दिए जाते हैं और उस 11,000 रुपए में से ही आप उस मूवी की टिकट बुक करते हैं और बुक करने के बाद उसको रेट करते हैं। अब उस मूवी की टिकट कितने की भी हो सकती है, 1500 की हो सकती है, 500 की हो सकती है, जो वहां पर आपको दिखाई देने वाली है। तो 10,000 रुपए जो आपको दिए गए हैं उसमें से आपको टिकट्स बुक करनी है, जो कि आप वर्चुअली कर रहे हैं, कहीं कुछ बुक नहीं हो रहा है। वहां पर आपको एक मूवी का नाम दिखाया गया, उसको आपने वहां बुक किया, 1500 रुपए आपके उस 11,000 में से कट गए, आपने उसको वहां पर 5 स्टार करके रेट कर दिया। रेट करने के बाद आपका कमीशन आपके अकाउंट में आ गया और वो जो 1500 रुपए जो आपने लगाए थे उस मूवी टिकट के, वो भी आपको मिल गए। तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ तमाम सारे ऐसा कमीशन दिया हुआ है, 50, 60, 70, 80 रुपए का, जो कि हर मूवी का अलग अलग दिया जाता है। पूरा दिन खत्म होने के बाद आपने 800-900 रुपए यहाँ पर बना लिए होते हैं। तो 800-900 रुपए बनाने के बाद आपको कहा जाता है कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। आप शाम को विड्रॉ करते हैं खुशी खुशी और वो जो ट्रायल बोनस था 11,000 रुपए का, वो वैनिश हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जाता है कि ये जो ट्रायल बोनस है ये सिर्फ आपको खेल का एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया गया है, ना कि रियल मनी है। आपका रियल मनी क्या है? जो आपको उस वहाँ पे बोनस मिल जाता है, जो आपको 850 रुपए जो कमीशन मिला वो आपका रियल मनी है। आज आपने वो ले लिया, आप हो गए खुश। अगले दिन वापस वो महिला आपको कहती है कि अब आपको एक ट्यूटर दिया जा रहा है जो कि टेलीग्राम पर आपको सपोर्ट करेगा, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, वहां पर आपको इस महिला से बातचीत करनी है। अब वो महिला जो टेलीग्राम पर है वो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कराती है जहां पर तमाम सारे लोग यही टास्क खेल रहे हैं। चलिए मैं आपसे रूबरू कराता हूँ एक टेलीग्राम ग्रुप में। अब आपको ग्रुप में ऐड क्यों किया गया है, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि हम उनकी बात माने या ना माने, हो सकता है हम उनकी बात पे डाउट करें, लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत सारे यूजर हैं वो जब उनका टेस्टिमोनियल देंगे तो आप मानोगे कि हाँ यार ये सब कुछ सच हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये सारे जो यूजर इस ग्रुप में मौजूद हैं, जो कि 25 मेंबर हैं, ये सारे रियल हैं, लेकिन ये उनके खुद के डमी नंबर है। उनको अच्छे से पता है कि आपके क्या सवाल हो सकते हैं, आपके क्या डाउट हो सकते हैं, तो वो आपके डाउट्स, आपके सवाल पहले ही अपने मेंबर्स के थ्रू पूछवा लेते हैं, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि चलो अब मैं निश्चिंत हो सकता हूं और मैं इनके गेम को खेल सकता हूं। अब इस ग्रुप में स्पेशल क्या बातचीत हो रही है, यहां पर एक मेंबर मेरा ही एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था वो पोस्ट करता है। इस मेंबर का नाम है समीरा एम। उसने लिखा, हेलो व्हाट इज दिस। अभी उनकी बंदी है, सोचना, प्लानिंग देखो। समीरा एम लिखती है कि व्हाट इज दिस। आपको लग रहा है कि यार किसी यूजर ने ये सवाल पूछ लिया, अच्छा किया। अब नीचे नरेंद्र कुमार बोलते हैं, हेलो डियर वेट आई विल एक्सप्लेन यू। तो समीरा ने लिखा है और नरेंद्र जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने। नरेंद्र ने बोला, इट्स नॉट अवर ऑफिशियल साइट एंड यू कैन चेक द एड्रेस। इसके बाद एक दूसरा यूजर पुविस नन नाम है जिनका, उन्होंने भी इसमें गवाही दे दी। क्या गवाही दी है? आई ऑल्सो वॉच दिस वीडियो बिफोर। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि मतलब इट इज़ वेरी कॉमन, सबने देखा हुआ है, मतलब सबने देखने के बाद भी वो यहाँ पर हैं तो बेकार ही होगा, गलत ही होगा। आगे नरेंद्र कुमार बोलते हैं, इट्स कम्प्लीटली नॉट एन आर प्लेटफॉर्म। नाउ इट इज लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग फेक थिंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट आर कंपनी रेपुटेशन। डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स नॉट अस। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम नहीं हैं ये, ठीक है ना, आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। नीचे वो बता रहे हैं कि हेयर वी आर द टॉप मोस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एवरी कॉम्पिटिटर विल ट्राई टू अफेक्ट अस बट वी आर स्टेबल एंड प्रोवाइड अ गुड सर्विस टू ऑल। इसके बाद अक्षता कहती हैं, यस आई हैव सीन इट टू, दिस इज अनदर कंपनी यूजिंग दिस कंपनी वेबसाइट। उसके बाद नरेंद्र कुमार कहते हैं, यस यू आर राइट एग्जैक्टली। उसके बाद प्रतीक कहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, I haven't had a single failed withdrawal. गवाही नंबर 4। और आप चारों स्क्रीनशॉट में एक चीज नोटिस करना कि सभी मेंबर्स ने 10:25 से 10:26 तक रिप्लाई किया है। और यहाँ पर लोग कितने ऑनलाइन हैं? सिर्फ 2। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस ग्रुप में जाएंगे आप देखना 2-3-4 मेंबर से ऊपर आपको कभी ऑनलाइन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सब डमी मेंबर हैं, सब फेक मेंबर हैं।
अपने इस्तेमाल के हिसाब से वो उनको एक्टिव करते हैं, उनसे आपसे इंडिविजुअल चैट में बात करते हैं, आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि वो भी एक इंडिविजुअल मेंबर है, आपकी तरह ही यहाँ पर आकर खेल रहा है और आपकी तरह ही वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरह के सिली सवाल करेगा कि आपके दिमाग में वो ऐसे डाउट्स भरेगा ताकि वो आपसे ये निकलवा सके कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपका अगला क्या स्टेप्स है। क्यों? क्योंकि वो स्कैमर है और वो आपके दिमाग को पढ़ने के लिए कई अलग अलग लोगों को आपसे चैट करने के लिए भेजता रहेगा, या आप भी हो सकता है अपनी तरफ से, हमारी मेंटेलिटी होती है, हम भी पूछ लेते हैं ग्रुप मेंबर से जाकर के, यार कब से कर रहे हो, कितना विड्रॉल आ रहा है, और वो आपको क्या बोलेंगे, अरे मेरा तो 10 लाख रुपए आया था, मेरा तो 25 लाख आया था, मैं तो इतने दिन से कर रहा हूँ, पहले मैं भी डर रहा था। तो इतने सारे टेस्टिमोनियल्स को सुनने के बाद आप मेरे वीडियो पे तो ऑब्वियसली बिलीव नहीं करोगे, है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियो पे बिलीव नहीं करोगे तो वापस आकर यहीं पर कमेंट करोगे आप कि मेरे इतने पैसे चले गए, जैसा कि पहले भी कई केसेस में हुआ है। इसके बाद की कहानी वही है, वो आपसे मूवी रेटिंग कराते हैं और बीच में एक एडवांस मूवी रेटिंग करने का आपके पास ऑप्शन आता है जिसकी कीमत होती है 50,000 रुपए, 51,000 रुपए, यानी कि उसके टिकट आपको 51,000 रुपए की बुक करनी है। मूवी देखिए क्या है, कौन से सन में रिलीज हुई थी, 2001 में। इनको प्रमोशन की आज क्या जरूरत है, इनको विजिबिलिटी की आज क्या जरूरत है, हम सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो आपके डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, अब आप बिल्कुल तैयार हैं, मोटिवेटेड हैं। अगले दिन आपको बताया जाता है कि आज अगर आपको खेलना है तो शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी, पहला डिपॉजिट आपको खुद करना पड़ेगा, और आप पहला डिपॉजिट करेंगे उस पर भी बोनस है, और पहले दिन खेल रहे हैं उस पर भी बोनस है, पहला विड्रॉल करेंगे उस पर भी बोनस है, बोनस ही बोनस है। तो 11,000 रुपए आज आप डिपॉजिट कर देते हैं भगवान का नाम लेकर के और शुरू हो जाते हैं इस ऐप में। आपके सामने फ्री के टास्क आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको एक TNC बताई जाती है, आपको कहा जाता है कि बहुत ही रेयर है कि आपको एक एडवांस टास्क यहाँ पर आए, आपके सामने एडवांस रेटिंग का ऑप्शन आए जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इसलिए आपको एक एडवांस टास्क बीच में आ सकता है जिसकी संख्या 0 से लेकर 4 तक होती है। मतलब शुरू में वो आपसे ये कह रहे हैं कि हो सकता है टास्क आए ही नहीं, आप इतने लकी हो ही नहीं कि आपके पास ऐसा कोई टास्क आए, आपको फ्री के टास्क देने शुरू कर देते हैं। शुरुआत में कुछ फ्री टास्क देने के बाद वो आपको एक टास्क देते हैं जहां पर आपका 51,000 रुपए लगने वाला है। अब आपके अकाउंट में कितने थे, 11,000 रुपए, अब आपको ये टिकट कितने की बुक करनी है, 51,000 रुपए की। आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपसे कहा जाता है कि आगे आप तभी खेल सकते हैं जब आप इस नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव में करें, यानी कि आपके अकाउंट में -23,000 है, तो आप इतना पैसा पहले इसमें डालें कि आपका 51,000 हो जाए और जिसका इस्तेमाल करके आप इस एडवांस बुकिंग को कर सकें जिसके एवज में आपको 5x रेवेन्यू मिलने वाला है, यानी कि 51,000 के अपोजिट में आपको 2.5 लाख के आसपास मिलने वाले हैं। अब चूंकि कल आपको पैसे आ चुके थे, आज आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके थे, बावजूद इसके कि आपने मेरा वीडियो देख लिया है, आज आपके 11,000 रुपये फंसे हुए हैं, आप अगला क्या करोगे? अगर आपके पास पैसे होंगे तो 20-30,000 की रकम है, आप डाली दोगे इसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि -23,000 दिख रहा है, आपको 27,000 और डालने हैं, 28,000 और डालने हैं ताकि ये 51,000 रुपये हो जाए। आप डाल देते हो 28,000 रुपये बिना सोचे समझे ताकि आप ये एडवांस टास्क खेल लो। इस एडवांस टास्क को खेलने के बाद आपके सामने रेवेन्यू बढ़ा करके 2.5 लाख रुपये कर दिया जाता है, आप हो जाते हो खुश, लेकिन वो आपको विड्रॉल करने के लिए नहीं है, क्योंकि विड्रॉल कब होगा, जब आपके 4 एडवांस टास्क खेले जाएंगे या पूरा जो सेट है उनका पूरा एक दिन में 28 रिव्यूज करने का वो कंप्लीट करने के बाद ही आप रिडेम्पशन कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं पैसे की। अब 28 टास्क तक आप पहुंचे हैं, उसके पहले ही 4 टास्क आपको प्रॉमिस कर चुके हैं वो कि वो एडवांस वाले आएंगे। धीरे धीरे आप फिर से फ्री वाले टास्क खेलते हैं, आपको एक और एडवांस टास्क आता है जिसमें इस बार आपको 1.5 लाख रुपए की मूवी टिकट करनी है, कितने की, 1.5 लाख की, उसमें आपको रिटर्न कितना प्रॉफिट किया है, 5x। आप सोचते हो अरे यार 1.5 लाख रुपए फिर से अरेंज करते हो, वो भी आपने यहाँ लगा दिए। अब इस स्टेज में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप उनसे कहते हो कि यार मेरे जो पैसे हैं वो मुझे दे दो, इसके आगे मैं नहीं खेल पाऊंगा, तब वो आपको TNC बताते हैं कि भैया इसके आगे अगर आप नहीं खेल पाएंगे तो आप पैसे भूल जाइए, आपको टास्क पूरा करना पड़ेगा तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ में वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपको तमाम सारे स्क्रीनशॉट भेजते जाएंगे कि मेरा इतना आ गया, मैंने तो इतना कर लिया, मेरे तो टास्क कंप्लीट हो गए, और आपको भ्रमित करते रहेंगे ताकि आप इनकरेज हों और सारा पैसा लगाने के लिए। धीरे धीरे ये राशि बढ़ती चली जाएगी, आप पैसे लगाते चले जाएंगे, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। उसके बाद इन्होंने TNC में दिया है कि अगर आप 1.5 लाख से ऊपर
यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल है। फिर वो आपसे सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं, वो भी आपने दे दिया। फिर आपसे कहेंगे कि टैक्स देना है आपको 20%, टैक्स के नाम पर पैसे मांगेंगे। एक समय ऐसा आएगा आप खुद ही मना कर दोगे और वो ये कहते रहेंगे कि देखो हम तो मना नहीं कर रहे, आप मना कर रहे हो। तो धीरे धीरे ये गाड़ी लाखों तक पहुंच जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा और आपसे वो रिसेप्शनिस्ट, वो ट्विटर वाले, वो व्हाट्सएप वाले सभी अपना संपर्क तोड़ देंगे। तो इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं? एक ही चीज है, लालच में मत पड़िए। अगर आपने एक स्कैम का वीडियो देख लिया है, वैसा ही दूसरा मॉडल है, प्लीज़ उस पर विश्वास मत कीजिए। ये सब धोखा है, नाम बदल बदल करके ये मार्केट में आते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो ये लोग मेरा वीडियो भी डिस्कस करते हैं। मैंने सभी अलग अलग ब्रांड्स के नाम पर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो सकें। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें फंसते हैं, जैसा कि कई लोग फंसे हैं, ट्रिप एडवाइजर देखने के बाद ट्रिवैगो में दे आए, मूवी रेटिंग का देखने के बाद रोज नाव में दे करके आ गया, उसके बाद मुझे अपनी सारी स्टोरी भेज रहे हैं, तो भैया प्लीज़ निवेदन है कि इस तरह के किसी स्कैम में ऐसे मत पड़िए। अगर आप स्कैम में पड़ चुके हैं तो साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन कीजिए। उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी FIR हो जाए लोकल थाने में, हालांकि लोकल थाने वाले FIR नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको बैंक को अप्रोच करना है, बैंक भी आपको मना करेगी। बैंक बोलेगी ये कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये आपने अपने होशो हवास में की हैं, इसलिए हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुलिस की मदद से बैंक के पास पहुंचते हैं, और जितनी जल्दी पहुंचते हैं उतनी जल्दी ही उन स्कैमर्स के अकाउंट सीज हो सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे की रिकवरी संभव है। अगर समय बीता तो रिकवरी नहीं होने वाली है या उसकी संभावनाएं बहुत कम है, ये आप याद रखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा हो रहा है कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है पैसा कहाँ गया, स्कैमर कहाँ के थे। इसलिए आपको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। अगर आप अवेयर करेंगे तो शायद इससे हम निकल सकें, तो शायद हम इससे हम बच सकें।